सब्सक्राइब कीजिए इंटरनेट टिप्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेट टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोगों के जो है इस भर्ती को लेकर, इस वैकेंसी को लेकर छोटे छोटे डाउट हैं कि इसकी फीस का क्या प्रोसेस है, या फिर इसका एग्ज़ाम जो है किस टाइप से होने वाला है, या फिर क्या क्या जो है इसके अंदर नियम है। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं। आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फीस प्रोसेस की। तो अगर दोस्तों आपने ये फॉर्म जो है पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर दिया है तो आपको पता होगा कि अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपने जो है इसके लिए 500 रुपये पे किए होंगे, यानी कि फीस के तौर में। अगर दोस्तों आप कैटेगरी में आते हैं एससी और एसटी या पीएच में तो आपको इसके लिए 250 रुपये पे करने होंगे फीस के तौर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये फॉर्म जो है अभी ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं। दोस्तों ये फीस जो है आपसे सिर्फ इस वक्त ली जा रही है और आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी रेलवे वैकेंसी होती हैं उनका जो एग्ज़ाम होता है उसको देने के लिए जहां पर भी जाना होता है उसका जो है एक पास बनता है। उस पास के अनुसार हम जो है जहाँ पे पेपर देने जाते हैं या ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ तक जो है हमारा कोई भी टिकट या कोई भी किराया नहीं लगता है। उसी पास के द्वारा हम जो है फ्री सफ़र करते हैं वहाँ तक का, जहाँ तक हमारा जो है पेपर या फिर एग्ज़ाम देने का रूट है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये फीस जो है इस समय आपसे इसीलिए ली जा रही है, अगर आप एससी एसटी या पीएच में हैं और आपने 250 रुपये पे कर दिए हैं, अगर नहीं किए हैं ऑनलाइन तो आप जो है अभी भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इस फीस को जो है आपको दोबारा से रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी कि जब आप जो है अपनी जो है प्रेजेंट इसके एग्ज़ाम में लगा देते हैं, यानी कि अपना पेपर या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है इसका कर लेते हैं, तो आपकी जो है 250 रुपये की और 500 रुपये की जो फीस आपसे ली गई है ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न यानी कि वापसी कर दी जाएगी। दोस्तों ये था इसका फीस का प्रोसेस। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फीमेल्स की। तो यहाँ पे दोस्तों ऑल कैटेगरी फीमेल्स की जो है 250 रुपये फीस है, जो ठीक इसी प्रकार आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, यानी कि रिटर्न कर दी जाएगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी की। तो दोस्तों इस वैकेंसी के अंदर टोटल जितनी भी वैकेंसी हैं वे हैं 62,907, जिनमें से जनरल के लिए 31,889 यानी कि 89 है, और ओबीसी के लिए 16,502 है, और एससी के लिए 9,453 है, और एसटी के लिए 5,061 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनको दोस्तों मिलाकर के 62,907 टोटल वैकेंसी बैठती हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लास्ट में एलिजिबिलिटी की, यानी कि योग्यताएं आप जो है कितने तक पढ़े हुए हैं या फिर किस प्रकार जो है आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म के अंतर्गत पहले जो मांगा जा रहा था, अगर आप हाई स्कूल यानी कि 10th पास हैं तो उसके साथ आपको जो है ITI का डिप्लोमा भी लगाना पड़ रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले जो है इसमें से सिर्फ 10th क्लास का कर दिया है, ITI का डिप्लोमा जो है इसमें से रिमूव कर दिया है, यानी कि उसको हटा दिया गया है। अब अगर आपने हाई स्कूल यानी कि 10th ओनली पास कर रखा है तो आप इस रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म को बहुत ही आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको यह हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूँ कि इसका एग्ज़ाम जो है किस टाइप से होने वाला है, या फिर किस प्रकार से हमें इसका एग्ज़ाम देना होगा, इसका एग्ज़ाम रिटर्न होगा या फिर ऑनलाइन होगा, ये सभी सवाल जो है मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को इस प्रकार से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस नोटिफिकेशन बेल को भी ओपन कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने चैनल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।